आज का टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि। पिछली क्लास अवशोषण का पार्ट वन पढ़ाया था, और जल अवशोषण क्या होता है, सॉइल वाटर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये सब बताया था। आज हम उसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जल अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। सक्रिय जल अवशोषण मतलब इस अवशोषण में जो जड़ हैं वो मुख्य कारक का काम करती हैं, यानी जल की कोशिकाएं, जड़ की कोशिकाएं एक्टिव पार्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन में। इसके विपरीत निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ की कोशिकाएं एक पैसेज या मार्ग का कार्य करती हैं। मुख्य कारण जो जल अवशोषण का है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जल का सक्रिय अवशोषण, इस शब्द का प्रयोग जो है वो रेनर ने किया था 1912-15 में। और जल का सक्रिय अवशोषण जड़ में उत्पन्न बलों के फलस्वरूप होने वाला अवशोषण होता है। इस क्रिया में जड़ की कोशिकाएं ही सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इस अवशोषण के अंतर्गत अनेक प्रकार के बल, जिसमें कि मूल दाब या रूट प्रेशर मुख्य रूप से शामिल है, भाग लेता है, कारण बनता है। मूल दाब किसे कहते हैं? जड़ों द्वारा जब मृदा से जल अवशोषण होता है तो जाइलम में जल के प्रवेश करने से जड़ की जाइलम वाहिकाओं में, वेसल्स में, एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब को हम इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक गमला है, गमले में एक कटा हुआ स्टेम लगा दिया गया है, जिसके ऊपर एक रबर ट्यूब है, और ब्लू कलर की जो ट्यूब मैनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें कि स्केल है वो ग्रेडेटेड है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम तने के एक भाग को काटते हैं और रबड़ की नली उसके ऊपर लगाते हैं और मैनोमीटर को उससे जोड़ते हैं, तो कटावा तना जो है, क्योंकि जड़ें जो हैं, अभी मैंने कहा सक्रिय जल अवशोषण है, जड़ें जो हैं वो अवशोषण करती हैं, तो तने के कटे हुए भाग से वो पानी निकलता है। तने के कटे हुए भाग से जब पानी निकलता है तो वो रबर ट्यूब से होता हुआ मैनोमीटर तक जाता है, मैनोमीटर में पारा भरा हुआ है। अब वो पारा ऊपर चढ़ता है और स्केल पर उसकी रीडिंग आ जाती है कि कितना दाब उस पर लगा है। तो ये मैनोमीटर के द्वारा हम रूट प्रेशर को आसानी से समझ सकते हैं। सक्रिय जल अवशोषण दो प्रकार का होता है, एक ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं परासरणी सक्रिय अवशोषण, और दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरासरणी सक्रिय अवशोषण। सबसे पहले हम लेते हैं परासरणी सक्रिय अवशोषण। इसके बारे में एटकिंस और प्रिस्ले ने समझाया था। ये परासरण मूल रोम की कोशिकाओं और मृदा जल के परासरण दाब में भिन्नता के कारण होता है। मूल रोम की कोशिकाओं का परासरण दाब 3 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है, जबकि मृदा कण जल का परासरण दाब 1 एटमॉस्फेयर का होता है। तो अंतर साफ दिखाई दे रहा है, जड़ें जो होती हैं वो रूट हेयर, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। रूट हेयर के अंदर का, यानी जो कोशिकाएं हैं उनका परासरण दाब जो है वो ज़्यादा है, और बाहर सॉइल वाटर का परासरण दाब कम है। और मैंने पहली कक्षाओं में भी आपको बताया है, जल अपने कम परासरण दाब क्षेत्र से अधिक परासरण दाब क्षेत्र की ओर गति करता है। तो कम परासरण सॉइल वाटर का है, जल विलयन का है, तो वो जल विलयन कोशिकाओं में, जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, और मार्ग उसका वही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स,
वल्कुटी कोशिकाओं से होता हुआ वह एंडोडर्मिस की पैसे सेल जो मार्ग कोशिकाएं हैं वहाँ से होता हुआ पेरिसाइकल में जाता है और पेरिसाइकल से वो फ्लोएम में सॉरी जाइलम में पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बाद हम लेते हैं अपरासरणी सक्रिय अवशोषण। यह सिद्धांत जो है वो जल का सक्रिय अवशोषण परासरण क्रिया के द्वारा नहीं करता है बल्कि उपापचय ऊर्जा के व्यय द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। कहने का मतलब मूल द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में भी होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सॉइल वाटर का परासरण दाब कम है, रूट कोशिकाओं का परासरण दाब ज़्यादा है और बाहर से अंदर जल का प्रवेश हो रहा है। लेकिन चाहे परासरण दाब में कितना भी अंतर है, इस मेथड में केवल उपापचयी क्रिया ही भाग लेती हैं, चाहे प्रवणता सांद्रता प्रवणता कितनी ही अधिक या कम क्यों ना हो। तो ऊर्जा ऊर्जा के व्यय से जल का सक्रिय अवशोषण त्वरित दर से विसरण विधि द्वारा न्यूनता के सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में हो जाता है। थीमान और क्रेमर ने इसके बारे में बताया। चूंकि अभी जैसे मैंने कहा कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो जाता है, उपापचय क्रियाएं भाग लेती हैं। जब उपापचय क्रियाओं की बात होती है तो हम कहते हैं ऊर्जा भाग लेती है। ऊर्जा के व्यय से ये होता है क्योंकि प्रवणता के विपरीत हो रहा है तो ऊर्जा की आवश्यकता डेफिनेटली यहाँ पर होगी। तो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए गए ये बताने के लिए कि इस प्रकार का अवशोषण जो है वो श्वसन से संबंधित है। पहला प्रमाण दिया गया कि जितने भी रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स हैं जो श्वसन निरोधक हैं, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम एजाइड है या हाई टेम्परेचर अति उच्च तापक्रम हैं, उनसे जल की क्रिया मंद हो जाती है, जल अवशोषण की क्रिया मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। कारण ये कि ये सभी पदार्थ जो हैं वो श्वसन की दर को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। दूसरा है वातहीन मृदाओं में पादपों की जड़ें मुरझा जाती हैं। वातहीन यानी नॉन एरेटेड, जहाँ हवा नहीं है, वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये कंडीशन तब आती है जब बाढ़ हो गई और वाटर लॉजिंग की कंडीशन आ गई, पौधे जो हैं वो पानी से डूब गए। जब पानी से डूब जाते हैं जड़ें, पानी जाड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो उनका एरेशन नहीं हो पाता, वायु नहीं ले पाती, श्वसन नहीं कर पाती, क्योंकि जल की घुलित ऑक्सीजन को वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उपयोग में नहीं ला पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्वसन की दर कम हो जाती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है ऑक्सीजन जल अवशोषण की दर में वृद्धि करती है। ऑक्सीजन जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है और ये उपापचयी क्रियाओं को जीव द्रव्य में उपापचयी क्रियाओं की वृद्धि को बढ़ाता है। उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि जब बढ़ती है तो श्वसन बढ़ता है और श्वसन बढ़ता है तो जल का अवशोषण भी अधिक होता है। लास्ट, जल अवशोषण की क्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। जीवित कोशिकाएं हैं तो श्वसन है, उपापचयी क्रिया है और उसमें ही होती है। तो ये कुछ प्रमाण हैं जो प्रस्तुत किए गए ये बताने के लिए कि जल का अवशोषण जो है वो अपरासरणी क्रियाओं द्वारा होता है। दूसरा मेथड जल के अवशोषण का है निष्क्रिय अवशोषण। देखा जाए तो निष्क्रिय अवशोषण जल अवशोषण की एक मुख्य विधि है। लगभग 98% जल का अवशोषण इसी विधि द्वारा होता है। इस विधि के अनुसार जो जल का अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल की जो उत्पत्ति होती है वो पौधे के प्ररोह अथवा वायवीय भागों में होती है। यानी कि जल का अवशोषण में जड़ केवल एक पैसेस का काम करती हैं। क्रेमर ने इसको डिस्क्राइब किया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। रूट के थ्रू हो रहा है, बाय द रूट नहीं हो रहा है, जड़ के द्वारा नहीं हो रहा है, जड़ से हो रहा है। तो जड़ एक मार्ग का काम कर रही हैं, जड़
जड़ जो है वो जल को अंदर आने के लिए एक पैसेज दे रही हैं, जबकि कारण जो है वो केवल प्ररो में, या ये कहें कि एरियल पार्ट जो हैं पौधे के, पत्तियां हैं उनमें उपस्थित होता है। इसको समझने के लिए हम इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में एक पत्ती बनी है, एक तना बना है और नीचे जड़ दिखाई गई है। एक पौधे के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को इसके अंदर लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे जब जल का अवशोषण होना है इस सक्रिय असक्रिय क्रिया द्वारा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का होना ज़रूरी है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने से जल जो है, जल का जो वाष्पीकरण है वो पत्तियों की मृदुतक कोशिकाओं की भित्ति द्वारा होता है। इन कोशिकाओं में जल की कमी होती रहती है और इनका जो स्फीति दाब है वो कम हो जाता है। तो ऐसी दशा में पर्ण मध्यों तक की कोशिका भित्ति में विसरण दाब की न्यूनता हो जाती है और जाइलम कोशिकाओं के DPD से बहुत अधिक हो जाती है। DPD की ये जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जल आसपास की जाइलम वाहिकाओं से पर्ण मध्यों तक कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यह जब तक चलता रहता है जब तक कि पर्ण मध्यों तक कोशिका और जाइलम वाहिकाओं का विसरण दाब बराबर नहीं हो जाता। अब जाइलम वाहिकाओं से जल के निरंतर विसरण के कारण जाइलम में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो पत्ती होती हैं या जड़ होती हैं या तने होते हैं, इनकी जाइलम वाहिकाओं के वाहिकाएं पौधे के अंदर एक कॉलम या एक स्तंभ बनाती हैं और जल के अणुओं के बीच एक कोइजन फोर्स, एक ससंजन बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न तनाव जड़ की जाइलम वाहिकाओं तक पहुंच जाता है और फल स्वरूप जड़ में जाइलम वाहिकाओं का DPD कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा के DPD से अधिक हो जाता है और जल का विसरण कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में होने लगता है। तो धीरे धीरे जल के विसरण दाब की न्यूनता कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होती हुई मूल रोम तक पहुंचती है, जिसके कारण मूल रोम से जल का विसरण कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में होता है और इससे मूल रोम के कोशिका रस के परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। तो मिट्टी में उपस्थित जो भी कैपिलरी वाटर है, जो केशिका जल है, उसकी सांद्रता मूल रोम रस की सांद्रता से कम होती है, जिससे जल मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। यानी क्या हुआ कि पूरी प्रोसेस में, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मूल रोम से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर जाइलम में पहुंचता है। अब यहाँ क्या होता है, अगर हम मूल को देखें तो जाइलम में जल कहाँ से पहुँच रहा है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस, मूल रोम से वो जल का अवशोषण हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो जल के अवशोषण में जिम्मेदार होता है। इस विधि के अनेक प्रमाण या एविडेंस प्रस्तुत किए गए, जैसे कि जल के अवशोषण की दर जल हांस की दर से संबंधित होती है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वाटर का लॉस होगा, जल का हांस होगा, उसी मात्रा में अवशोषण होगा। जितनी दर वाष्पोत्सर्जन की है उतनी ही दर अवशोषण की होगी। दूसरा, पौधों द्वारा मूल की अनुपस्थिति में भी जल का अवशोषण क्रिया होती रहती है या हो सकती है। यानी कि अगर जड़ मौजूद नहीं भी है, अगर उस पर कोई पुल या बल ऊपर काम कर रहा है तो अवशोषण हो जाएगा। तीसरा एविडेंस यह है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में तने के जाइलम रस में ऋणात्मक दाब देखा जा सकता है। तो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो जाइलम सैप जो है वो एक नेगेटिव टेंशन जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन जो है वो अवशोषण से संबंधित है।
इन दो सक्रिय और निष्क्रिय विधियों के अलावा जो कि जड़ के द्वारा होती हैं, इस जड़ के विपरीत भी जल का अवशोषण होता है, जिसमें पहला नाम माइकोराइजा का आता है। माइको यानी कवक, राइजा, राइजा यानी मूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवक मूल। कुछ वृक्षों में क्या होता है कि मूल रोम के स्थान पर कवक तंतुओं का एक जाल उपस्थित होता है, इस जाल को हम कहते हैं माइकोराइजा या कवक मूल। तो कवक मूल के जो कवक तंतु होते हैं वो जल और जितने भी मिनरल्स, खनिज लवण जो होते हैं, उनका अवशोषण करते हैं और फिर वो मूल को स्थानांतरित कर देते हैं। तो जड़ से, और वो जड़ से भोजन प्राप्त करते हैं। एक सिम्बायसिस का उदाहरण होता है, पाइनस में ये होता है। पाइनस का आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं कि पाइनस के रूट हेयर जो होते हैं, रूट में बहुत कम होते हैं और कवक मूल ही उसमें अवशोषण का कार्य करती हैं। फैबेसी फैमिली में होता है, बेटूला में होता है, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है वेलामैन द्वारा। वेलामैन जो कि अधिपादपी पादप जो होते हैं, खासकर ऑर्किडेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें वायवीय जड़ें जल का अवशोषण का काम करती हैं। इन वायवीय जड़ों में वलकुट के जो बाहरी जो लेयर होती है वो वेलामन नामक उत्तकों से बनी होती हैं, जिसकी कोशिकाएं कलरलेस, रंगीन होती हैं, पारदर्शी होती हैं और पोरेटेड होती हैं। तो ये जो उत्तक होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, वो वायु की नमी को, उसकी ओस को या बारिश का जो जल होता है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। कुछ पौधों के अंदर पत्तियां जो सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर से रंध्रों के द्वारा या टूटी हुई क्यूटिकल्स से होते हुए सामान्य सतह से जल का अवशोषण करती हैं, ये भी अधिपादपों में मिलता है। और ये अवशोषण जो है वो तब होता है जब किसी चोट के द्वारा क्यूटिकल डैमेज हो जाती है, तब ये अधिक पाया जाता है। फोर्थ प्रकार जो है वो है आर्द्रता ग्राही रोमों के द्वारा, हाइग्रोस्कोपिक हेयर के द्वारा। ये भी एपिफाइट्स के अंदर ही होता है और कुछ जीरोफिटिक मरुद्वती पौधे हैं उनमें वायव्य भागों पर ये हाइग्रोस्कोपिक हेयर या आर्द्रता ग्राही रोम उपस्थित होते हैं, जो कि वायुमंडलीय नमी का अवशोषण करते हैं। आज का चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको मुख्य जो बात बताई वो सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण था। तो आप जो है इस सक्रिय और निष्क्रिय जल